हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप एक अच्छे यूट्यूबर बनने का सपना देखते हैं और लाखों कमाना चाहते हैं यूट्यूब से। दोस्तों, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा इनकम भी होती है और हर कोई यूट्यूब पर आगे अच्छा खासा इनकम करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप सोचते हैं कि यूट्यूब पर आपको कैसे काम करना है, आपकी वीडियो कैसे होना चाहिए, टैग्स कैसे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए और आप क्या अपनी वीडियो को अपलोड करने का सही ढंग जानते हैं और नहीं जानते हैं, तो मैं आज इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप भी ना करें और मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा साइड पे, तो वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं नई चीज़ें। तो इसके लिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आना है अपने मोबाइल पर और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आप सभी को वैसे ही करना है, तभी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे, तभी आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए क्या करना है, आप मोबाइल में डायरेक्ट क्रोम पर आ जाइए और आपका क्रोम पर जिस यूट्यूब का चैनल आपने बना रखा है, जिस ईमेल से बना रखा है, वही ईमेल जो है आपके डिवाइस में लॉगिन होनी चाहिए यानी क्रोम पर, तभी आपका YouTube चैनल जो है उसमें ओपन होगा। अब इस तरह से आप आ जाते हैं स्क्रीन पे क्रोम पर, तो YouTube आइकॉन को टच करना है यानी सेव करना है और आप पहले से ही डेस्कटॉप मोड ऑन कर लें ताकि YouTube का जो बड़ा पेज होता है जैसे PC या लैपटॉप में खुलता है वैसे ही आपके मोबाइल पर भी खुलेगा। दोस्तों, सब ये सोचते हैं कि आप मोबाइल से नहीं हो सकता, या मोबाइल से हो सकता है सब कुछ, आपको PC की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आ जाने के बाद में आपको जो YouTube चैनल बना रखा है उसके आइकॉन को टच करना है और उसके जैसे मैंने अपना चैनल खोल रहा है आप वैसे खोल सकते हैं और आप देख भी सकते हैं इस तरह स्टूडियो और ये सब ऑप्शन आप अंदर से खोलते हैं। तो इसके लिए अंदर को जाने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, आप एक कैमरे का आइकॉन होगा उस पर आपको टच करना है और अपलोड वीडियो का एक ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, और अपलोड वीडियो का ऑप्शन आता है वहाँ से इस तरह से स्क्रीन खुलती है और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आप अपने वीडियो को ड्रैग कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने मोबाइल से जो मेरे अंदर डिवाइस में है। तो आपको भी वैसे वैसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाए तो आप गुस्सा ना करें। अब मैं सिंपल एक आपको सिखाने के लिए एक वीडियो को उठा लेता हूँ, जैसे मैंने उठा ली तो सिंपल क्या होता है, अपलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्ट हो जाती है, ये सब कुछ पहले से मैं लिख के मैंने डिफ़ॉल्ट पेज एक्टिवेट कर रखा था। तो आपको टाइटल लेना है, आप सोचते हैं आपको टाइटल कहाँ से लेना है, तो इसके लिए आपको दोस्तों दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिस वीडियो को आप जिस कैटेगरी पे बना रही है, जो वीडियो आपके लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं वो वीडियो आपको यूट्यूब पर है या नहीं, या चल रही है या नहीं चल रही है, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो आपको मोबाइल पे अपना YouTube को ओपन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अब आपको अपना कीबोर्ड टच सर्च करना है कि फ़ोन से वीडियो अपलोड कैसे करें, तो मैं सिंपल टच करता हूँ और लिखता हूँ फ़ोन से वीडियो अपलोड कैसे करें। जैसे मैंने थोड़ा सा लिखा फ्रेंड्स, इस तरह से आ जाता है और आपको क्या करना है, जितने भी ये लिखा हुआ आ रहा है ये सब आपके कीवर्ड होते हैं यानी कि टैग्स होते हैं और इनमें से आप किसी भी टाइटल को उठा के अपना वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आपको एक स्क्रीन शॉट लेना है, जैसे मैंने ले लिया। स्क्रीन शॉट हो जाने के बाद में देख रहे हैं कि ये कीवर्ड जो आपका सर्चिंग में आ रहा है, तो हमको भी इसी सर्चिंग पर बनाना है वीडियो क्योंकि ये सर्चिंग में है, तो इसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। तो अब क्या होगा, हमारी वीडियो जैसे चल रही थी तो आपको वही टाइटल लेना है और टाइटल लेने के बाद में टाइटल को सिंपल लिख देना है या आप वहाँ से कॉपी करके, अगर कॉपी वो कर सकते हैं तो आप कॉपी करके भी यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है फ़ोन से वीडियो अपलोड अपलोड कैसे करें। अब ये क्या हमारा टाइटल बन जाता है और यही सेम जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी सेम टाइटल जो है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है जैसे मैंने किया, और
कॉपी करने के बाद यहाँ से ले रहा और यहाँ ला पेस्ट कर देता हूँ मैं, तो हमारा जो है सेम टाइटल वैसे ही बन जाता है। और आपको वीडियो के जिस वीडियो में आप बना रहे हैं, जिसके बारे में बना रहे हैं फ्रेंड्स, आपको लिखना है अबाउट योर वीडियो, अबाउट टू वीडियो, यानी कि आपके जिस जो जिस टॉपिक पर आपका वीडियो है उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है, सिंपल आपको लिखना है। उसके बाद में क्या, ये सिर्फ आपको मैं डेमो वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको उसके लिखाने के बाद में अपने हैशटैग लगाने वीडियो के हैज लिखना है। सबसे पहले लिखना है मोबाइल से वीडियो, मोबाइल से वीडियो, दोस्तों स्पेस नहीं देना है, सॉरी, मोबाइल से वीडियो अपलोड कैसे करें, कैसे करें, ये सिंपल हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब हमको दोबारा लिखना है हाउ टू अपलोड योर वीडियो। आप जैसे लोग लिखते हैं वैसे भी आपको मिस स्पेलिंग में भी लिखना है, यानी मिसिंग वर्ड में भी लिखना है, हो सकता है आपकी वीडियो किसी और कीवर्ड से सर्च की जा सकती है, तो आपको ऐसे लिखना है। और ये 10-15 आपको हैशटैग लगा सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद में आपको पेज को नीचे करना है दोस्तों, नीचे करने के बाद में दोस्तों कि यहाँ पे शो मोर कराता है, ये शो मोर का ऑप्शन है, हम देख सकते हैं जैसे करेंगे नीचे आता है दोस्तों। तो जैसे मैंने कीवर्ड पहले से लिख रखे हैं, ये आपको कीवर्ड लिखना है, ये जो है टाइटल टैग है, और ये टाइटल टैग जो जैसे मैंने शुरू में दिखाया था कि यूट्यूब से वहाँ पर आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ लिखने के बाद में इन्हीं टैग्स के माध्यम से आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में जाएगी, ब्राउज फीचर में जाएगी, और वहीं से आपकी वीडियो भी ज़्यादा शेयर होने लगेगी। जैसे मैंने किया है वैसे आपको यहाँ लिखना है, मैं पहले से लिख रखा था तो इसलिए आपको दिखाया नहीं। और उसके बाद में अपना कैटेगरी और जो भी है आपको लिख लेना है, कि सिलेक्ट कर लेना है पहले ही अपने चैनल की, सब अलाउ कर देना। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको एंड स्क्रीन सिलेक्ट करनी है, यानी कि जब वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो आपकी लास्ट होती है तो उसके बीच में लास्ट में एक वीडियो शो होती है कि आप इस पे टच होकर पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया, आप कोई सी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी रख सकते हैं, तो फिर बाद में सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, और आपको कार्ड, यानी कोई कहता है कि मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा ये वीडियो, आप किसी भी वीडियो का लिंक जो है आई बटन पर छोड़ सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ चाहें। जैसे मैं ये वाला वीडियो छोड़ता हूँ, और ये वाला मैं वीडियो छोड़ा और मैंने आई बटन पर छोड़ के मैंने सेव कर दी, तो जैसे ही मेरी वीडियो प्ले होगी तो आई बटन पर जब इसका टाइम होगा तो आई बटन पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो ये क्या व्यूअर्स के लिए एक ऑप्शन होता है, आप किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने आई कार्ड के माध्यम से तो वहाँ पे शो हो जाती है। अब ऐसे शो हो जाने के बाद में दोस्तों ये अपलोडिंग होनी चालू हो जाती है, और ये सिंपल अपलोड हो गई। आप यहीं से जो है वीडियो का लिंक जो है आप कॉपी कर सकते हैं, साथ में ही कॉपी और इतने सारी जितने सोशल लिंक दे रखे हैं यहाँ पे आपको शेयर भी करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको यहाँ से बैक करके दिखाता हूँ, और बैक हो जाने के बाद में दोस्तों स्क्रीन कुछ इस तरह से शो हो जाती है। ये HD प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कि जो हाई डेफिनेशन चलती है उसकी। और सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा कोई ऐप्स लगने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे अपना अपलोड करना है थंबनेल को। थंबनेल आपको बनाना अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूँगा, या आप मुझे बताएं कि आपको नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँगा कि थंबनेल कैसे बनाएं। सिंपल क्या करना है, जैसे ये बना रखा है मैं पहले से ही, ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो मोड की तरह दिखा रहा हूँ, ये मैं पहले से ही बना रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद में दोस्तों सब चीज़ जब फिर से अपना पेज देख लें, सब चीज़ ठीक है या नहीं है, हमने सही करके लिखा है या नहीं है, सब चीज़ सेव हो जाने के बाद में आप अपनी वीडियो को पब्लिश करने का ऑप्शन करता है। फिर हो सकता है दोस्तों आप जो है कुछ गलती कर दिए हो, तो कुछ गलती को फिर से देख लें कि हमारा कहीं लिखने में कहीं गलती तो नहीं हुई, आपको वीडियो को कोई स्किप तो नहीं हुआ है, या कहीं कुछ गलती तो नहीं छोड़ दिए हैं,
उसके लिए क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे फिर से चेक कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों को मैंने देखा YouTube पे वीडियो बनाते हैं, उसके लिए आप मोबाइल के YouTube के आइकॉन पे प्लस आइकॉन पे वहाँ से अपलोड करेंगे, फिर बाद में अपलोड होने के बाद में आप अपना स्टूडियो खोलते हैं, स्टूडियो ऐप। ये क्या ज़रूरत है जब आपके पास फ्रेंड्स वाले से इतना बड़ा डिवाइस है, तो आप डायरेक्ट क्रोम पेज पे खोल के डायरेक्ट एक साथ सारा काम कर सकते हैं और ये संभव है और बहुत आसानी से एक पेज से सारा काम हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लगा ये, और आप भी ऐसा ही करें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो, और सिंपल आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो मुझे वीडियो में के लास्ट में जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि आपको कुछ परेशानी है। और सिंपल क्या हो जाने के बाद सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक। सिंपल आपको पब्लिक कर देने के बाद में डन कर देते हैं। डन करने के बाद में आपको यहाँ से सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चली जाएगी और आपकी वीडियो देखने चालू हो जाएगी, यानी आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था सिंपल तरीका, आई होप आपको ये सिंपल तरीका पसंद आया होगा। अगर इससे भी रिलेटिव आपको नहीं आया तो मैं मोबाइल के माध्यम से भी फिर से प्लस आइकॉन वाला ऑप्शन से भी बता के सिखा सकता हूँ, मगर मैं सोचता हूँ दोस्तों सभी को क्रोम चलाना आना चाहिए। और क्रोम का क्या है, बहुत ही मुझे बढ़िया ऑप्शन लगा कि सर ऐसे जैसे डेस्कटॉप पे होता है वैसे सेम इस चीज़ पे हो जाता है। तो मैंने आपको यही सिखाया और आई होप ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो सीखें और एक अच्छे यूट्यूबर बने और वीडियो लगातार बनाते रहें, देखते रहें। आप जो भी वीडियो को बनाना चाहते हैं जिस टॉपिक पे, पहले यूट्यूब पर सर्च कर लें कि उससे रिलेटेड वीडियो पहले से बनी हुई है और उनके कीवर्ड क्या होनी चाहिए। तो सबके जो है वीडियो जो देखते हैं उनके सबके स्क्रीन शॉट ले लेना है और जैसे जैसे उसमें लिखा है, जैसे डिस्क्रिप्शन में जैसे लिखा है उन्होंने हैशटैग क्या क्या लगाए हैं, सब कुछ आपको वैसे ही वैसे लिखना। सिर्फ इस एक ही टॉपिक की वीडियो आपको तीन चार जितने भी वीडियो हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल की देखनी है और उन सबके टेक्स्ट लिख लेने हैं, स्क्रिप्ट लिख लेनी, और सब कुछ लिखने के बाद ही जैसे मैंने दिखाया क्रोम पेज पे आपको लिखना है, तभी आप अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली के साथ देखें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।